रूस यूक्रेन विवाद और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने से आपूर्ति बाधित होने की चिंताओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे मार्केट पर दबाव और बढ़ सकता है। सप्लाई के जोखिम और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते कच्चे तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। यूक्रेन विवाद बढ़ने और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की भयावह स्थिति के चलते तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि इसमें शामिल रूस और यूएई ओपेक प्लस के अहम मेंबर्स में शामिल हैं। क्रेमलिन द्वारा अपनी सीमाओं पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने से यूक्रेन में महीनों से तनाव बना हुआ है, जिससे पूर्वी यूरोप में सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि वे डिप्लोमेट्स के परिजनों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। अगर टकराव बढ़ता है तो एनर्जी मार्केट को तगड़ा झटका लग सकता है। यूरोप अपनी नेचुरल गैस की 35% जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि तनाव से तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि रूस ने सोमवार को कहा था कि वह हमारे संबंधों के अहद दौर में यूरोप का एक भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर बना रहेगा। मिडल ईस्ट में यूएई ने एक सप्ताह पहले हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सोमवार को खाड़ी देशों को निशाना बना रही 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इस बीच बार्कलेज ने इस साल के लिए तेल की औसत कीमतों के अनुमान में $5 की बढ़ोतरी कर दी है। उसने कम क्षमता से काम करने और जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने का हवाला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।